सो ऑल राइट गाइस, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए एपिसोड में। आज में इस एपिसोड में हम दुनिया का सबसे खतरनाक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। तो गाइस, आपको पता है कि आज के टाइम पे कितनी बेरोजगारी चल रही है, तो इसको देखते हुए यार मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यार मेरे दिमाग में आइडिया है, क्यों ना मैं कार सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दूं, जिसमें थोड़े टाइम के बाद यार अपने पास पैसे ही पैसा होगा। गाइस सर, बिना टाइम वेस्ट कर अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 1 hour later। तो गाइस सर, मैं आपको बता दूंगा आज हमारे मोहल्ले में पूरा सन्नाटा खींचा हुआ है। और तो और गाइस, तुम लोग को एक चीज भी बताना, चलो उसको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो गाइस सर, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हमारे घर के बगल में रहने आई है, तो यार इसको तुम बाद में पटाएंगे। तो यार सबसे पहले तो अपने बिजनेस की लोकेशन देख लेते हैं। तो यार तुम लोग को बता दूंगी यार, ये हमारे घर के पीछे वाला यार्ड है जहाँ पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे अपनी गाड़ियों को हम पार्क कर सकते हैं फ्री में। गाइस सर, तुम लोग को पता ही है कि अपने घर में इतनी जगह नहीं है कि अपनी गाड़ी पार्क कर सके, तभी ना मैं इस वाली जगह पर अपनी गाड़ी को पार्क करूंगा और यहीं से अपनी गाड़ियों को सेल करने वाला हूं। और सर, अपने को बहुत सारा बेनिफिट है इस वाली जगह से गाड़ी सेल करने में, क्योंकि यार थोड़े आगे जाने के बाद इतनी सारी पार्किंग मिल जाती है, और थोड़ा और आगे जाने के बाद कार वॉश सेंटर भी मिल जाता है बगल में ही। तो यार ये तो कुछ भी नहीं है, आगे जाने के बाद यार ये टॉप इन टाउन भी कहलाता है। टॉप इन टाउन के थोड़ा आगे जाने के बाद ना गाइस अपन को मिल जाती है ये मैकेनिक शॉप भी। तो यार ये सब तो अपने पार्किंग के बहुत ही करीब है, तो यार अपन को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा काम अपना यही के यही हो जाएगा। तो गाइस सर, बिना टाइम वेस्ट करके चलो चलते हैं अपनी गाड़ी परचेज करने के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो ऑलराइट गाइस सर, मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाता हूँ सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के लिए। तो यार मैं तुम लोग को बता दूं कि मुझे 2 दिन पहले एक खतरनाक सी लोकेशन मिली थी जो कि शिपयार्ड पर है, और वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा कि यार वहाँ पे एक्चुअली है क्या। जहाँ तक मुझे पता चला कि वहाँ तो बहुत सारे कंटेनर अनलोड होते हैं जिसमें से एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ निकलती है। तो यार अपन जाकर पता कर। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? कि वहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ हमें मिलने वाली है। बट ना गाइस, एक प्रॉब्लम है, उन कंटेनरों में से सिर्फ 2 टाइप की गाड़ियाँ निकलती है। जैसे कि पहली गाड़ी वो होती है जिसमें छोटा मोटा स्क्रैच होता है, थोड़े से कांच माच टूटे होते हैं, लेकिन वो गाड़ी चलती है। और दूसरी टाइप की गाड़ी वो होती है जो कि बिल्कुल न्यू रखी है, बुलबुल के बच्चे की तरह। तो यार अब अपनी किस्मत कैसी है तो वहीं जाके पता चलेगा। तो यार चलो चलते हैं। तो फाइनली कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग आ चुके हैं शिपयार्ड पर। तो धीरे धीरे चलते हैं, जाकर देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली में है क्या। तो ऑलराइट गाइस, एंट्रेंस में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे देखने को तो मिल रहा है बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। तो फटाफट से मैं अपनी बाइक को पार्क कर देता हूँ। जैसे मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ तो चलो गाइस चलते हैं और देखते हैं कि अपने लायक कोई गाड़ी है कि नहीं है। तो यार जाते जाते तो यार मुझे यहाँ पे बहुत सारी विंटेज गाड़ियाँ भी दिख रही है, जो कि दिखने में तो गुड कंडीशन में है। तो अंदर बैठने के बाद ही पता चलेगा कि ये गाड़ियाँ चालू है कि फिर खत्म हो चुकी है। तो गाइस यार ये गाड़ी मुझे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि यार ये दिखने में तो बहुत क्लासिक दिख रही है, और तो और ये गाड़ी बिल्कुल मेंटेन भी है। तो यार हो सकता है कि अपनी इस गाड़ी से डील हो जाए। तो यार मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सब गाड़ियों को एक बार देखूंगा कि यार वो गाड़ी सही है कि नहीं है। A few moments later. तो ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं अंदर और यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो इतने सारे लोग हैं जो कि अपनी गाड़ियाँ परचेस करने के लिए आए हुए हैं। तो गाइस मैं तो हम लोग को बता दूं कि यार यहाँ पे 2 सेक्शन बने हुए हैं। जैसे कि यार ये वाले सेक्शन में तो एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी है, जैसे कि रेंज रोवर खड़ी है, और तो और ये गाड़ी बिल्कुल न्यू कंडीशन में रखी है, टिप टॉप कंडीशन में है। और दूसरी तरफ में वो गाड़ी है जो कि दिखने में थोड़ी सी कंडीशन खराब लग रही है, लेकिन यार ये गाड़ी चलने लायक है, और थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन करा देते और ये गाड़ी भी बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएंगी। तो यार ये 2 सेक्शन में तो एक सेक्शन बहुत कॉस्टली और दूसरा सेक्शन में माल कुछ ज्यादा खास नहीं है कि जिसको हम खरीदे और उनको बेच सके। पर इस बंदे से बात करने के बाद थोड़ी देर में ये बंदा मुझे कहने लगता है। तो यार इस बंदे ने कहा है कि मुझसे क्या आपके लिए सिर्फ ये फोर्ड की गाड़ी खड़ी है जो कि आप इसको परचेस कर सकते हो। तो यार ये गाड़ी को देखने के बाद मैं इसके पास फटाफट से जाता हूँ। तो गाइस सर, आप लोग भी देख रहे हो कि इसकी जो कंडीशन है बिल्कुल ब्रांड न्यू रखी है, और आगे से तो बिल्कुल मॉन्स्टर टाइप लग रही है। तो यार मैं पीछे भी जाकर देखता हूँ गाड़ी को एक्चुअली में दिख कैसी रही है। पीछे से भी A1 क्लास रखी है और आगे से भी A1 क्लास रखी है। क्यों ना अब मैं इसका इंटीरियर जाके देखूं। तो यार मैं फटाफट से इसके इंटीरियर में जाके विराजमान हो जाता हूँ। तो गाइस सर, इसके अंदर बैठने के बाद ना मेरा फाइनली कंफर्म हो गया कि मैं इस गाड़ी को परचेस करने वाला हूँ। 1 hour later। तो ऑलराइट गाइस, इस गाड़ी को हमने परचेस कर लिया है जो कि हमें पड़ी है $1000 में। तो यार फाइनली ये गाड़ी हमने परचेस कर चुकी है। तो यार फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलते हैं बैकयार्ड पे। तो गाइस सर, इस गाड़ी को चलाने में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और तो इस गाड़ी की जो कंट्रोलिंग है वो भी एक्सलेंट है। तो फाइनली यार इस गाड़ी को खरीदने में मेरा कहीं ना कहीं फायदा हो चुका है। तो यार फटाफट से लेके चलते हैं इस गाड़ी को अपने बैकयार्ड पर, जहाँ पे हम इसको फोर सेल पे खड़ा करने वाले हैं। तो यार चलो देखते हैं कि इस गाड़ी को खरीदने के लिए कस्टमर आते हैं कि नहीं आते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अपनी गाड़ी आ चुकी है अपनी लोकेशन पर। तो फाइनली 2-3 मिनट बाद हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है। तो यार मैं फटाफट से अपनी गाड़ी के बाहर निकलता हूँ और जाकर देखता हूँ कि ये कैसी दिख रही है। तो यार गाइस, गाड़ी को हमने यहाँ तो खड़ा तो कर दिया है, पर यार
बारी आ चुकी है इस गाड़ी की सेफ्टी की, क्योंकि यार यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता था, जैसे कि इसका कांच भी फूट सकता है, कोई बच्चे पे आके स्क्रैच भी करके जा सकता है, और तो इस गाड़ी की चोरी भी हो सकती है। यार इस गाड़ी की सेफ्टी के लिए अब हमें यहाँ पे दो कैमरे भी लगाने होंगे, जो कि मैंने पहले से डिसाइड करके रखा था कि मैं इस वाले वॉल पे एक कैमरा लगाऊंगा, और थोड़ा आगे जाने के बाद मैं इस वाले टपरे के ऊपर भी एक कैमरा लगाने वाला हूँ। तो गाइस मैंने 2-3 घंटे पहले एक कैमरा ऑर्डर किया था, जो कि डिलीवरी बॉय अपना टेम्पो में लेके आ जाता है। तो यार ये बंदा जैसे उतरता तो मैं इससे बात करने लगता हूँ। तो गाइस इस डिलीवरी बॉय से बात करने के बाद मैं अपना कार्टून वाला डब्बा नीचे रखवा देता हूँ, और तो ये डिलीवरी बॉय भी यहाँ से चला जाता है। तो ऑलरेडी गाइस अपना कैमरा भी आ चुका है, अब बारी है कैमरा को इंस्टॉल करने की। तो ऑलराइट गाइस अपने कैमरा इंस्टॉल हो चुके हैं, जो कि एक कैमरा इस वॉल पर लग चुका है और दूसरा कैमरा स्टपरे पे भी लग चुका है। तो गाइस यार कस्टमर का इंतजार करते करते मैं लेट गया था, और इतनी गर्मी की वजह से मेरा सर भी दुखने लगता है। तो यार अपना सर को ठंडा करने के लिए मैं आ जाता हूँ उस वाले टॉप एंड टाउन में कॉफी पीने के लिए। तो जैसे मैं अपनी कॉफी पी के खत्म कर लेता हूँ और चला जाता हूँ अपनी गाड़ी के पास, तो यार जैसे मैं इधर आता हूँ तो मेरे को पता चलता है दो कस्टमर आए हुए जो कि मेरी गाड़ी को यहाँ पे चेकआउट कर रहा है। तो यार थोड़ी देर तो ये बंदा अपनी गाड़ी को घूर रहा होता है, और दूसरा वाला बंदा नीचे पता नहीं क्या जाग रहा था। तो गाइस यार देखने में तो कहीं के बड़े बिजनेसमैन लग रहे थे, हो सकता है कि यार ये गाड़ी को परचेस कर ले। तो फाइनली गाइस यार ये गाड़ी इन लोगों ने परचेस कर ली है, जो कि इन लोगों ने $1500 में परचेस कर ली है। तो यार इसमें तो मेरे को $500 का फायदा हो चुका है। तो गाइस यार ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो गाइस यार नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारी गाड़ियां आने वाली है, जो कि यार हम लोग बेचेंगे अपने प्रॉफिटेबल प्राइस में। उस एपिसोड को देखने के लिए यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।